60 मिनट की बारिश और पूरी मुंबई डूब गई। जहां पूरी मुंबई सिर्फ चंद मिनटों की बारिश में पानी पानी हो गई। क्या सबवे, क्या हाईवे, क्या रेलवे ट्रैक और क्या ब्रिज, हर जगह सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी नजर आने लगा। लोगों को आवाजाही में तकलीफ होने लगी, गाड़ियां बंद पड़ गई, लोगों को गाड़ियों को धक्का मारने की जरूरत पड़ने लगी। जहां मानसून ने मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई इलाकों में दमदार दस्तक दी है, मुंबई में जबरदस्त बारिश हो रही है। मानसून का स्वैग से लोग स्वागत कर रहे हैं, लेकिन मानसून से लोगों का हाल बेहाल भी होने लगा है। मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगले 24 घंटे मुंबई में जोरदार बारिश होने का अनुमान है। मुंबई के कुर्ला, सायन, घाटकोपर, सांता क्रूज, बोरीवली, अंधेरी, बांद्रा, हर जगह बारिश जोरदार है। मुंबई, पुणे, नागपुर, नाशिक समेत महाराष्ट्र के कई इलाकों में अगले 5 दिनों तक मानसूनी बरसात का जोर कायम रहने का अनुमान जताया जा रहा है। मुंबई के साथ ही आसपास यानी थाने, कल्याण, डोंबिवली, नवी मुंबई, पालघर, इगतपुरी, रायगढ़ और कोकण इलाकों में जोरदार बरसात शुरू है। अंधेरी सबवे को भारी बरसात और जल जमाव के चलते लोगों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है। अंधेरी सबवे पर पानी का बहाव इतना था कि एक महिला वहां पर बहने लगी, जिसे कड़ी मशक्कत से पुलिस कांस्टेबल ने बचाया। कोकण के रत्नागिरी और रायगढ़ में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। किसानों के चेहरे पर खुशी छा गई है। हालांकि महाराष्ट्र के कई इलाकों में अब तक बरसात नहीं हुई है, लेकिन मुंबई, रायगढ़, सिंधुदुर्ग, थाने, पालघर, रत्नागिरी जिले में जोरदार बरसात हो रही है। अगले 24 घंटे तक मुंबई और आसपास मूसलाधार बारिश होने का अनुमान है। 48 घंटे मुंबई के लिए काफी ज्यादा अहम है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई।